Hi guys, how are you all? Fine? Very good. Let us now begin new chapter, Straight Lines. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एडवाइज करूंगा कि एनसीईआरटी बुक में जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं आप 10 मिनट के लिए प्लीज वो फॉर्मूले रिवाइज कर लें। फिर इसमें नया होगा एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस, देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ इक्वेशंस ऑफ इट्स फोर साइड आर गिवन, देन होमोजीनियस डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, उसके बाद नया होगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, और फिर थोड़ा लेवल तो चेंज हो गई होगा। ओके, ऑल आर रेडी? मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड। गुड। टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, एक बार रिकैप कर देते हूं। ये तो आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मींस एवरी इक्वेशन विच इज लीनियर इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस वाई 5 इक्वल टू 0 या x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, इनका डिग्री 1 है, दे आर लीनियर इक्वेशन। तो इनका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका एक ग्राफ विल बी लाइन। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके लिए। नोट करते रहो, 15-20 टॉपिक्स होंगे, प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन द नोट्स। सेकंड हेडिंग इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स बट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यू ऑल नो इट। वाई एक्सिस का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0, जो नहीं दिखता वो है एक्स का इक्वेशन है वाई एक्सिस, वाई का इक्वेशन एक्स एक्सिस। बट आप इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दे दें, फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, यू गेट एक्स वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी कैन से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज एक्स वाई इक्वल टू 0, दोनों के एक साथ साइमल्टेनियस इक्वेशन। वाई इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए यूनिट्स अवे फ्रॉम इट। एक्स इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो नहीं दिखता वो है एक्स इक्वल टू ए में वाई नहीं दिखता, दैट मीन्स ये वाई के पैरेलल है और वाई से ए यूनिट दूर है। अब ये ए यूनिट दूर है वाई के, ए यूनिट अगर ए प्लस का है तो दिस विल बी ए प्लस का है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड में रहेगी, दिस इज ए। ठीक है, ये y इक्वल टू ए, और a अगर नेगेटिव है n यहाँ a पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरा y इक्वल टू a इधर होगा। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू a। ठीक है ना, लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू a, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, x इक्वल टू a इज नेगेटिव यार। ओके, देन अगेन इफ आई से दिस इज y इक्वल टू a एंड दिस अगेन इज y इक्वल टू a, यहाँ पे a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है, ये चीज़ें ध्यान रख लो। ये x एक्सिस है और दिस इज y एक्सिस, बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट y के पैरेलल और a यूनिट दूर है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x के पैरेलल है, दैट मीन दे आर पैरेलल लाइंस, जस्ट रिमेंबर इट, नोट कर लो इसको। छोटी छोटी चीज़ें बड़े काम की चीज़ें, विजिबल और नोट, थोड़ा दिख तो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, ये आप लिखते रहो। आप थर्ड हेडिंग इज स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप इज डिनोटेड बाय लेटर m, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था। तो दो कंडीशन में हम किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, अगर लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज, देन स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय द फॉर्मूला एम इक्वल टू टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ दैट थीटा, रिमेंबर इट। इधर वाला लेना है, और दूसरी बात, स्लोप नेगेटिव होगा अगर थीटा एक्यूट एंगल है और स्लोप पॉजिटिव होगा अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ध्यान रखना। एक्यूट एंगल का मतलब कभी भी ये लाइन जब ऊपर से ऐसे झुकी है, ऊपर से राइट में टिल्ट है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा,
क्योंकि इसमें एक्स के साथ एक्यूट एंगल बनेगा, और ये लाइन अगर ऐसे टिल्ट हो गई तो दिस विल मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो कोई भी मैं बात करूं, अगर आपके लिए ये अगर लाइन है, दिस इज द लाइन, इसका एम इज नेगेटिव, और अगर ऐसी लाइन कुछ है इसका एम हमेशा पॉजिटिव होगा, एम इज ग्रेटर देन जीरो। बी वेरी, कोई भी लाइन, इफ दिस इज लाइन इसका एम नेगेटिव होगा, अगर ये लाइन ऐसा एम पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स लाइंग विद द लाइन आर गिवन, देन द स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यू कैन राइट y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, यानी डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन टॉट टू यू इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मैंने वीडियो बना रखा है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इनको आप नोट करते रहिएगा। फोर्थ हेडिंग, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए लाइन, ये सब एनसीईआरटी बुक में दे रखा, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये पॉइंट्स छह फॉर्म है, पॉइंट स्लोप, टू पॉइंट स्लोप, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, देन जनरल फॉर्म। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं, यहां थोड़ा थोड़ा, यू प्लीज कीप ऑन मेकिंग नोट्स। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब पहला वाला मैं आपको यहां समझा देता हूं। यहां पे मान लो एक लाइन दे रहे कि दिस इज अ लाइन एल, तो इस लाइन एल का अगर हमें स्लोप दिया हुआ एम, स्लोप एन इज गिवन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑफ द लाइन इज गिवन हियर, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, आई कैन राइट हियर, दिस इज वाई माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इफ स्लोप ऑफ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑफ द लाइन इज गिवन। देन अनदर सेकेंड वाला मैं इधर ही लिख दूंगा, सेकेंड वाले में टू पॉइंट्स, सपोज दो पॉइंट इस लाइन पे पड़े हैं, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो ये फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला, दिस विल बी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम की जगह क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म, और सिंपली इसको पॉइंट फॉर्म में बोलते हैं। और ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट में मैं बता दूं आपको, एक होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, दूसरा होता है y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, जहां पे c क्या है, c इज द y इंटरसेप्ट, अगर y इंटरसेप्ट दिया तो वो वाला लगा देंगे, और d है x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन फ्रॉम x एक्सिस या ऑन x एक्सिस, तो ये आपको थोड़ा याद करना, वाई एम एक्स प्लस सी इज मोर पॉपुलर। इंटरसेप्ट फॉर्म इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, जहां ए एंड बी आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, मैं समझा देता हूं, ए एक्स इंटरसेप्ट है, रिकैप करो रहा हूं, वाई बी वाई इज द सॉरी बी इज द वाई इंटरसेप्ट, B is the y-intercept, ये ऐसे होता है, लाइक दिस, सपोज दिस इज लाइन, दिस इज A, दिस वन इज B, और लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा तो A एंड B कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक। नॉर्मल फॉर्म दैट इज परपेंडिकुलर फॉर्म, वो होगा x cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, यहां पे ओमेगा एंड पी क्या चीज मैं बता दूं इसको, सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन, बी वेरी वेरी पर्टिकुलर ये एक्स वाई विजिबल, एंड दिस इज द लाइन फॉर विच इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, P is the distance of the line from origin or length of perpendicular from origin.
यानी यहां से हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस विल बी पी। अब व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये आपकी लाइन इधर होती, सपोज योर लाइन इज दिस, दिस इज आवर लाइन, ये हमारा होता परपेंडिकुलर, ये होता ओमेगा। तो ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ में भी जा सकता है, जीरो से लेके टू पाई तक हो सकता है। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड ओमेगा वगैरह वगैरह आपको मैं समझा देता हूं। इसको पहले एक एक इक्वेशन ले लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं इसका मैं पहले। आप पहले ये जितना लिखा है नोट कर लो, फिर नॉर्मल फॉर्म को और जनरल फॉर्म को थोड़ा डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। जस्ट इनको तो नोट कर लो आप, थोड़ी नॉर्मल फॉर्म की डिटेल स्टडी। इक्वेशन तो ये हो गया x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन दे रहे कि ax प्लस by प्लस e जनरल लीनियर इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते, स्टेप्स आप लिख लेना, एनसीईआरटी में भी कहीं लिखा नहीं है ये। ओके, सबसे पहला मतलब इसमें बड़ा टास्क है, ओमेगा का वैल्यू मालूम कर लो एंड पी का वैल्यू मालूम कर लो, देन पुट वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड पी इन दिस इक्वेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट ट्रांसफर कॉन्स्टेंट टर्म टू राइट साइड एंड मेक इट पॉजिटिव इफ नेसेसरी, यानी राइट साइड में ट्रांसफर करने के बाद अगर वो माइनस का हुआ तो उसको प्लस का बनाना बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव वन और नेगेटिव। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, आई विल टेक एन एग्जांपल, साथ साथ ही समझाता जाऊंगा। मान लो आपको दिया है कन्वर्ट रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो इंटू नॉर्मल फॉर्म, तो मैं एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म को राइट में लाइए, कॉन्स्टेंट टर्म टू है, दैट मीन्स वी कैन राइट रूट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। नाउ दिस हैज बिकम नेगेटिव आफ्टर ब्रिंगिंग इट दिस साइड, दिस हैज बिकम नेगेटिव। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस वन टू मेक इट पॉजिटिव, इसको प्लस का बनाना है। ठीक है, तो दिस विल गिव माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अब सेकंड में डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट एज को प्लस बीज को, रूट एज को प्लस बीज को कितना होता है, टू होता है। यहां पे ए कितना है, रूट थ्री है माइनस का एंड बी इक्वल टू वन है, तो डिवाइडिंग यू गेट माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू वाई इक्वल टू वन बाई टू। ओके, दिस वाज क्या हुआ, माइनस टू था ना, व्हाट हैपेंड हियर, दिस इज प्लस टू डिवाइडिंग बाई टू, दिस इज वन। ओके, अब एट दिस स्टेज कॉस ओमेगा कोऑर्डिनेट एक्स होता है, यानी कॉस ओमेगा माइनस का रूट थ्री बाई टू, साइन ओमेगा इज कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज पी, तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ हमारा कॉस ओमेगा कितना है माइनस रूट थ्री बाई टू, साइन ओमेगा कितना आया वन बाई टू एंड पी इक्वल टू वन आया। सो यूजिंग दीज कॉस ओमेगा माइनस रूट थ्री बाई टू एंड साइन ओमेगा वन बाई टू, यानी साइन प्लस का है कॉस माइनस का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ ओमेगा क्या हुआ, देयरफॉर ओमेगा इज फाइव पाई बाई सिक्स। अब आपको ओमेगा मिला, आपको पी मिला, तो इक्वेशन क्या बनी, तो दिस इज इसमें रख दो ओमेगा एंड इसका वैल्यू, तो क्या हो गया एक्स कॉस ओमेगा, देयरफॉर इक्वेशन इज x cos 5 pi by 6 बोलो या 150 डिग्री बोलो 5 pi by 6 प्लस y sin 5 pi by 6 इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। अब कई बार बच्चे
ओवर स्मार्ट होते हैं, इसका वैल्यू डालते हैं फाइव पाई बाई सिक्स का एंड साइन कॉस फाइव पाई बाई सिक्स एंड साइन पाई बाई सिक्स का, जब वैल्यू डाला तो आप वापस यहीं पहुंच जाएंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो अल्लाह नहीं है, सेम है, ये आपका जनरल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म है, समझ आ गया आपको, नोट कर लो इसको। अब आ गया जनरल फॉर्म इसका, जो x प्लस बी वाई प्लस सी, और किसी किसी किताब में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनसीईआरटी बुक में कैपिटल लेटर्स लिखा है। अब इसमें कुछ ध्यान रखना, इफ ए इक्वल टू जीरो, ए जीरो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो, यानी एक्स गायब, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा, दैट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स का कोएफिशिएंट जीरो है तो एक्स के पैरेलल होगी, जिसका कोएफिशिएंट जो है नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट जीरो, एक्स वाली टर्म खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स उसके पैरेलल है। सिमिलरली बी इक्वल टू जीरो मीन्स लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड सी अगर जीरो तो लाइन ओरिजिन से निकलेगी। जैसे मैं बोलूँ थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू थ्री, ये लाइन उसके पैरेलल जाएगी, सॉरी दिस लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। नॉट ओनली लाइन, कोई भी कर्व का इक्वेशन होगा और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म गायब होगा, देन द ग्राफ ऑफ दैट कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे ए जीरो मैं बोलूंगा थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ओके ये हो गया इक्वेशन, और यहाँ बी इक्वल टू जीरो है माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग वाई, जो नहीं दिखता उसके पैरेलल है। अच्छा, दूसरा इस लाइन का, अगर पूरी लाइन दी हुई उसका इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, आई एम सॉरी उसका स्लोप पता कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला स्लोप इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अब मैं बोलूंगा मान लो एक लाइन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी लाइन है एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका स्लोप क्या हो गया माइनस ए बाई बी, माइनस यानी थ्री बाई माइनस फोर, इसका स्लोप हो गया थ्री बाई फोर, इसका स्लोप क्या हो गया एम इक्वल टू क्या हो गया माइनस एंड वन बाई वन दैट इज माइनस वन, समझ में आया कहानी। तो स्लोप कैन बी फाउंड इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन हियर, सिंपली माइनस ए बाई बी दैट इज नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई, जस्ट नोट इट डाउन। अब पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन, वो पॉइंट लाइन के ऊपर पड़ता है ठीक है नहीं पड़ता है, फिर दो पॉइंट है, दो पॉइंट लाइन के एक तरफ है या दोनों पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में, एक लाइन के ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट में, ये कैसे पता चलेगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट इन गिवन लाइन, आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा उसे आप डिटरमाइन करेंगे। मान लो पॉइंट P जिसको x1 y1 और पॉइंट Q को x2 y2 मान ले हैं, और लाइन ax plus by plus c equal to this line is given, उसको l equal to zero या इसको l equal to zero मान सकते हम लोग। और आफ्टर पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अगर वो लाइन ax1 plus by1 plus c equal to zero बनती, दैट इज उसको l1 equal to zero बोल दूं, और Q वाला इसमें रखने के बाद बनता है उसको मैं l2 equal to zero बोल देते हैं, ये जस्ट उसका डिनोशन है। P lies on L equal to zero if L1 equal to zero, यानी आप कुछ नहीं है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर लाइन को सेटिस्फाई करता है ठीक है, वो जीरो है और रखने के बाद में भी जीरो आ रहा, दैट मीन्स वो पॉइंट लाइन के ऊपर है, आप इसको लिख लो। अब रह गया, अब मैं ये मिटाऊंगा ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा दे, तो आप पहले ये नोट कर लो इतना, और ये आपके सामने पड़ा, आई नीड ए प्लेस हियर ठीक है। मैं एक लाइन बना देता हूं यहां पे, ओके सपोज हमारा पॉइंट पी, आई एक्सप्लेन टू यू, लेट पॉइंट पी में ले लू थ्री कॉमा फोर, पॉइंट क्यू में ले लेता हूं टू कॉमा माइनस सिक्स ले लिया, और लाइन में ले लेता हूं थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब हम चेक करते हैं, ठीक ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके ऊपर पड़ता नहीं पड़ता, पॉइंट पी कहाँ है, आप इसको रखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो पॉइंट पी लाइन पे नहीं है, सिमिलरली पॉइंट क्यू डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन लाइन, सो दिस पॉइंट
These two points do not lie on the line. अब देखो, मैं यहां पे एक डायग्राम भी बना देता हूं आपके लिए. ये भी हो गया. P एंड Q डो नॉट लाई ऑन L इक्वल टू जीरो. अगर ये नहीं है तब, ये तब वाला यहां तक मिटा देता हूं. ठीक है, आप ये इतना नोट कर लो ये वाला. ठीक नहीं है तो मुझे ये जगह चाहिए समझाने के लिए. ओके, मैं ये लिख लेता हूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं. अब इसका एक ग्राफ बना देता हूं मैं आपके लिए. और आई कैन मेक द ग्राफ हियर, यहां भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं. इस लाइन का थोड़ा रफ स्केच ड्रॉ कर देते हैं. एक्स समझाने में इजी होगा, वेरीफाई करने में इजी होगा, पता चल जाएगा कैसे होता है इस दुनिया में क्या हो रहा है. 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8 का, मैं अगर y इक्वल टू 0 रखूं, x का वैल्यू 8 बाई 3 आ रहा तो लगभग इधर होगा. एंड x 0 है तो y का वैल्यू माइनस 1 बाई 2, दिस इज हियर. तो दिस लाइन विल पास थ्रू दिस टू पॉइंट. एक रफ एक्स स्केच मैंने बताया, इसका स्लोप कितना होगा, 3 बाई 4 होगा. दिस इज द लाइन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. दिस पॉइंट इज 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 3 4 हो गया तो दिस विल बी 3 कोमा 4 समवेयर हियर. ऊपर मैं लेता हूं, पॉइंट पी इज हियर 3 4 एंड क्यू 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 समवेयर आई कैन राइट हियर. पॉइंट क्यू इज हियर. अब देखो, नेचुरली पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू अगर हमने ग्राफ बनाया तो दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन. बट हर टाइम ग्राफ बनाना मुमकिन नहीं है, फिजिबल नहीं है. हमारा एक्सप्लेनेशन है पी एंड क्यू लाई ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन इफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी हैव सेम साइन. अब हम पॉइंट पी को रखते हैं, एक्स वन पी को इसके अंदर रख दिया, इसके पी 3 4, दैट मीन्स हमारा क्या बनेगा, P को रखा है तो दैट मीन्स एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी के अंदर हम रख दें तो वो कितना हो गया, A इज 3 इंटू 3 प्लस बी इज माइनस 4 इंटू 4 माइनस 8. ये कितना हो गया, 9 माइनस 16 माइनस 8 24 और 9, दिस इज माइनस 15. अच्छा, नाउ ये पी वाला हम कर रहे हैं यहाँ पे, और पॉइंट क्यू अगर रखा हमने तो दिस इज एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 24 एंड माइनस 8, ये कुल मिलाकर 24 और 30, दैट इज हाउ मच, 22. तो ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों ऑपोजिट साइन है. P एंड Q लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन इफ x प्लस प्लस बी वन प्लस सी एंड x टू प्लस बी वाई टू प्लस सी हैव ऑपोजिट साइड. अगर ये सेम साइन ही होता, मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट होता, मैं बोलता 5 कोमा, यहाँ पे मैं कोई बोलता पॉइंट r 5 कोमा 6, तो P एंड R का सेम साइन होता, नेगेटिव होता दोनों. ये बात समझ में आ गई. अब P lies on these two points are clear to you. Now P लाइज ऑन ओरिजिन साइड, यानी पॉइंट पी. देखो ये लाइन का दो साइड, एक तो ओरिजिन वाला हियर है, ओरिजिन इधर है ना, ये ओरिजिन की तरफ है कि नहीं है, वो कब पता चलेगा, इफ पुटिंग द वैल्यू एक्स प्लस एक्स वन वाई वन इन गिवन इक्वेशन के एल एच एस में एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड सी कॉन्स्टेंट टर्म. कॉन्स्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे माइनस 8 है, और वो वैल्यू रखा कॉन्स्टेंट ही नेगेटिव, और पी का वैल्यू रखने के बाद में भी अगर नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे ओरिजिन की तरफ है, ठीक है, और अदरवाइज वो दूसरी तरफ होगा. मीनिंग ये हुआ, हियर सी इज नेगेटिव. सी क्या है, सी हमारा माइनस 8 है, एंड वो रखा है हमारा पी रखने पर क्या आ गया, पी रखने पर हमारा आंसर आया माइनस 22. दैट मीन्स दोनों सेम साइन है, यानी पी हमारा ओरिजिन के साइड में. सिमिलरली अगर आप क्यू रखते हैं, और दैट इज माइनस कितना था, माइनस 15 था ना, ओके. और सिमिलरली अगर आप क्यू रखते हैं तो क्यू हमारा कितना आया था, क्यू इज 22 जो कि प्लस का है.
तो सी एंड क्यू आर ओपोजिट साइड, आर सी एंड क्यू है ओपोजिट साइन, दैट मीन्स क्यू लाइज ऑन ओपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। ये काम की चीजें हैं, आप इसको लिख लो, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये चीजें नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिक्स, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट एक ही लाइन में है कि नहीं, कोलिनियर भी लाइन ऑफ द सेम लाइन। सपोज ये लाइन है, सो ये पॉइंट ए इधर, पॉइंट बी इधर, पॉइंट सी इधर, तो कंडीशंस इफ द थ्री पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, देन स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ बी बी। इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप इक्वल होगा। आप दो कंपेयर कर लेना, आपको कंडीशन मिल जाएगी। यू कंपेयर एनी टू, दिस और दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, ठीक है, दो बार कंपेयर, दिस 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 दिस, यू कैन कंपेयर। या फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विल बी जीरो, ट्राइंगल का एरिया होता है वन बाई टू डिटर्मिनेट्स, तो अब इक्वल टू जीरो दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये डिटर्मिनेट भी यूज कर सकते हैं। ट्वेल्थ क्लास में इलेवंथ वालों को ये समझ में नहीं आएगा, इलेवंथ वाला तो वो यूज करना, दोनों ए बी एंड बी सी का स्लोप इक्वल करके यू कैन प्रोसीड। इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आपको। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लाइन दो तरह के तरीके दी होगी, अगर वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन और दूसरी लाइन वाई इक्वल एम टू एक्स प्लस सी टू दे रखा है और इनके स्लोप एम वन एंड एम टू है, तो दो लाइन के बीच में मान लो एंगल थीटा बना है, तो देन टेन थीटा कैन बी गिवन बाई यूजिंग मोड ऑफ एम वन माइनस एम टू, वन प्लस एम वन एम टू, दैट मीन्स ऊपर डिफरेंस माइनस वन प्लस प्रोडक्ट होगा नीचे। और दूसरी बात, लाइन अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो टेन नाइनटी डिग्री दैट इज नॉट डिफाइंड, यानी डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो एम वन एम टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन होगा। और लाइन्स पैरेलल है, अगर स्लोप इक्वल होगा, पैरेलल में थीटा जीरो होता है तो टेन जीरो जीरो होता है, तो यानी ये वाला जीरो, दैट मीन न्यूमरेटर बिकम्स जीरो, यानी एम वन माइनस एम टू जीरो, दैट इज एम वन इक्वल एम टू। आपको ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, पैरेलल में स्लोप इक्वल करना, परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को माइनस वन कर लेना। तो किसी एक लाइन का स्लोप अगर थ्री है तो दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, साइन पलट दो। ये तो हो गया आपका, जब लाइंस अगर इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, और आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यानी जनरल फॉर्म को इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लो आपको ये लाइन ऐसे दे रखी है जनरल फॉर्म में, तो आप यहाँ का स्लोप आप कर सकते हैं, स्लोप देखो आप एम वन क्या होगा, माइनस ए बाई बी कर दो, और ठीक है माइनस ए बाई बी यूजिंग दिस, और इसका भी कर सकते हैं दोनों का, तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा दो m1 m2 में स्लोप इज द नेगेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ x बाई कोऑर्डिनेट ऑफ y, देन यूज दिस फॉर्मूला। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं नहीं लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओके दिस इज नॉट, ये उल्टा लिखा a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 एंड c2, सो इसका स्लोप माइनस ए वन बाई बी वन, इसका स्लोप हो गया माइनस ए टू बाई बी टू। अब आप ये वैल्यूज एम वन की जगह एम टू ये डालेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। लाइन पैरेलल होगा, आपने पढ़ा था, देखो पैरेलल का मतलब टेन थीटा, थीटा जीरो और टेन जीरो जीरो होता है, न्यूमरेटर बिकम जीरो, मतलब ये ऊपर वाला ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जीरो, दैट फॉर ए वन बी टू इक्वल ए टू बी वन, और आप ऐसे करेंगे ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू। ये आपने पढ़ा था टेंथ क्लास में, लाइन्स आर पैरेलल इफ ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इनका प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर कहीं आपको मिला ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू सेम है, तो लाइन्स विल कोइंसाइड, ये आपने टेंथ में पढ़ा था, वो लाइन सेम ही होगा। पैरेलल लाइन में एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं बट कॉस्ट एंड टर्म अलग अलग होते हैं, ये आप नोट कर लो, ऑलरेडी सिंपल था, आपको ऑलरेडी आता ही था, प्लीज नोट इट डाउन, लिख लो इसको। इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग ए गिवन एंगल विद अनदर लाइन और विद अनदर गिवन लाइन, विद अनदर गिवन लाइन आई कैन राइट,
मान लो एक गिवन लाइन है वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, मैंने डायग्राम बना दिया। अब हमारी जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए, वो लाइन मान लो एक्स वन वाई वन के थ्रू गुजर रही है, डॉटेड लाइन, एंड मेक्स एंगल अल्फा विद एबो लाइन। ये इस लाइन, इसकी इक्वेशन हमें चाहिए, इसके साथ एंगल अल्फा बनाता है। तो दैट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन अल्फा वन माइनस प्लस टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप पूछोगे सर ये दो बार साइन यू जो है, तो यानी ऊपर प्लस वाला लेना है तो नीचे माइनस वाला, और ऊपर माइनस वाला लेना है तो नीचे प्लस वाला लेना है, यानी दो नो बार आपको डिफरेंट साइन यूज करके दो इक्वेशन होगा। दो इक्वेशन होने का मतलब ऐसी दो लाइनें होगी, मतलब एक एंगल ये अल्फा बनाया, या मान लो ये 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, तो एक लाइन ऐसी भी हो सकती है ना, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, तो एक इक्वेशन इस लाइन की होगी तो दूसरी इसकी होगी। यू हैव टू यूज बोथ द साइंस, नोट कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। मान लो गिवन लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट इज एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई सेम रहेगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू दिस विल बी बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू के, मतलब ए एंड बी का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और किसी एक का साइन पलट दो, बी एंड ए इंटरचेंजिंग एंड किसी एक का साइन चेंज कर दो, देन वैल्यू ऑफ के कैन बी फाउंड बाई यूजिंग गिवन कंडीशंस। बहुत आसान। और या फिर आप कर सकते हैं पैरेलल, वो तो मैं बाद में बताऊँ, पैरेलल वालों का जो गिवन लाइन का स्लोप सेम होगा, और परपेंडिकुलर वालों को क्या करना, अगर गिवन लाइन का स्लोप अब मालूम कर लो यूजिंग माइनस ए बाई बी, उसका थ्री आया तो उसका माइनस वन बाई थ्री थ्री कर लो, ये एम वन एम टू माइनस वन यूज करके। फिलहाल हम ये शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे, एक एग्जाम्पल यूज कर लिया हमने। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन वन एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो पैरेलल वालों में क्या होगा, देखो शॉर्ट में लाइन हमारी हो जाएगी ए एक्स, यानी सेम होगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू के, बट लाइन पासे थ्रू वन वन, ठीक है ना, दैट मीन्स टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन इक्वल टू के, इसका मतलब के का वैल्यू आपका माइनस वन आया। सो इक्वेशन क्या हो गई, के का वैल्यू माइनस वन, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस, दैट इज आवर इक्वेशन। ये इक्वेशन, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू वन वन। अब परपेंडिकुलर लाइन हाउ टू फाइंड इट, वेरी इजी। लाइन हमारी क्या होगा, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट बदल दो, थ्री एक्स एंड ये माइनस वाला प्लस कर दे, तो किसी एक का साइन बदल दो इक्वल टू टू, बट इक्वल टू के लाइन पासिंग थ्रू वन वन, दैट मीन्स थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू वन इक्वल टू के, आपको मिला के का वैल्यू फाइव। सो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, इसे मैं वापस डाल दू, थ्री एक्स प्लस टू वाई, ये आपका आंसर है, फास्टेस्ट आंसर आप लेके आएंगे। पैरेलल में एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के यूज करना, और परपेंडिकुलर में बी एक्स माइनस ए वाई यूज करना, वेरी इजी, नोट कर लो इसको एक एग्जांपल। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, यानी तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिलती है कि नहीं मिलती। तो लाइंस कंकरेंट है, इसका एक ट्रेडिशन, मान लो ये तीन लाइन ही है, तो आपको पॉइंट ऑफ कंकरेंस या प्रूव करना कि लाइंस आर कंकरेंट और नॉट। तो ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप लाइन वन लाइन टू को सोल्व कीजिएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है लाइन थ्री में रखना, अगर वो सेटिस्फाई करता तो है, अदरवाइज एक शॉर्टकट मेथड है ये, कोएफिशिएंट ऑफ ए बी एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट टर्म, इनका एक डिटरमिनेंट फॉर्म कीजिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, देन द लाइंस आर कंकरेंट। सिंपल, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, थ्री बाई थ्री का डिटरमिनेंट है, ये आपको आता है।
ओके okay, अब इसमें एग्जांपल है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दीज थ्री लाइंस आर कंकरेंट। आपको मैं दो मिनट का वक्त देता हूँ, आप इसको कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, वैल्यू ऑफ लैम्डा आप लेकर आए। ये क्वेश्चन आया हुआ कहीं एक जगह एनडीए वगैरह में, जस्ट ट्राई एंड सॉल्व इट। डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो करना। नाउ सी द सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगर जीरो लिया तो लैम्डा का वैल्यू -5/3 आया। मैच करो, अगर आपका सही है तो आगे बढ़ो, अपनी पीठ खुद थपथपा लो, देख लो इसको। लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, दो लाइंस का इक्वेशन दिया होगा और उन दोनों लाइन, मान लो ये दो लाइन दी हुई है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो कैसा दैट लाइन कैन बी गिवन, मान लो ये लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, तो हमारी इक्वेशन होगी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू जीरो। लैम्डा कैन बी फाउंड बाई यूजिंग सर्टन गिवन कंडीशन। एग्जाम्पल आपको मैथड बिल्कुल कोई बहुत ही आसान है, ट्रेडिशनल मैथड लंबा पड़ेगा। ट्रेडिशनल मैथड तो आप क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइन को सोल्व करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना, आपका 3-4 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको ऊपर लैम्डा इंट्रोड्यूस कर लेना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, पॉइंट इक्वल लाइन थ्रू जंक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइ, इसको लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो लिखना। तो हिंट में देता हूं आपको, रिक्वायर्ड लाइन विल बी दिस लाइन एक्स वन, सॉरी दिस इज एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस लैम्डा टाइम दिस 2x - y + 1 = 0। अब आप क्या करना, एक्स ये लैम्डा का वैल्यू मालूम करना आपको, तो बट ये लाइन जो ओरिजिन से निकल रही है, अब आप करेंगे मैं वीडियो पॉज करता हूँ बिकॉज फालतू का लंबा वीडियो बन रहा है, अब एक्स वाला इकट्ठा कर लो, वाई वाला इकट्ठा कर दो, फिर एक्स की जगह वाई की जगह 0-0 डाल दो, लैम्डा मालूम करो और लैम्डा को वापस यहीं डाल दो, आप करो देखे, चेक योर आंसर लाओ। ये जो लाइन है 0-0 से गुजर रही है, एक्स का और वाई का वैल्यू 0-0 डाल दो, आपको लैम्डा मिलेगा 2। सो लैम्डा का वैल्यू 2 वापस इसी में डाल दो, 2 ये 2 × 4x + x 5x, ओके प्लस वाई एंड -2y - y और -2 and +2 दैट बिकम 0, 5x - y = 0। अब देख लो, वेरीफाई कर लो, पासेस थ्रू ओरिजिन, क्या आपके लाइन ओरिजिन से जा रही है, यस सर्टेनली बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म या जीरो एट दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह का क्वेश्चन है, काफी इजी एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके अब डिस्टेंस ऑफ लाइन एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फ्रॉम पॉइंट x1 y1, नाउ द डिस्टेंस इज, डिस्टेंस इज गिवन x1 + by1 + c1 बाई √a² + b² ओके पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब मान लो आपको इस लाइन का बोलेगा ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन तो x1 y1 0 0 होता है, ये टर्म 0 0 बन जाएगी, यानी मोड ऑफ कॉन्स्टेंट बाई √a² + b² ऑलराइट। अब आ गया, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लाइंस अगर इंटरसेक्ट करें तो डिस्टेंस 0 होता है। पैरेलल लाइंस में एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पे दो लाइन पैरेलल दी होगी, a1 / a2 b1 / b2 इक्वल होगा, अगर दोनों कोएफिशिएंट पहली बात तो प्रोपोर्शनल होंगे होंगे, लेकिन आप उनको इक्वल बनाना है, दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है, सो देन दैट डिस्टेंस बिट कैन बी गिवन बाई c1 - c2 / √a² + b². अब एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ, ये लाइन L1 है 3x + 4y - 5 = 0, दूसरी 3x + 4y + 7 = 0। मान लो ये लाइन देता आपको 6x + 8y + 14 = 0 देता, तब आप क्या करते, ये देखो 3/6, 4/8 लाइन्स आर पैरेलल, तो आप इसको क्या करना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो क्या बनेगा 3x + 4y + 7। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस इज डी
वो क्या होगा, सी वन माइनस सी टू मोड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेवन प्लस या सी टू माइनस सी वन कर सकते हो, माइनस फाइव माइनस सेवन बाई, अब क्योंकि ए बी यहाँ थ्री फोर, यहाँ भी थ्री फोर हो जाएगा, तो थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा पाँच, यानी कुल मिला के 12/5 यूनिट इनका डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे आप डिस्टेंस पता करते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइंस, मैं बात कर दूं, अगर लाइन एल वन, अगर ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और एल टू इज दिस, तो इन लाइनों के बीच का डायग्राम बनाया, ये डॉटेड लाइन वाला बाइसेक्टर है, तो एक तो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दूसरा एक्यूट एंगल होगा, इन दोनों के बाइसेक्टर्स, इनकी इक्वेशन, तो ये कुछ नहीं, दैट कैन बी फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब नोट कर लो पहले ये चीज, कोई दिक्कत नहीं, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, नीचे ए वन स्क्वायर बी वन प्लस बी वन स्क्वायर, यहाँ पे वन की जगह टू रिप्लेस करना है, इतना लिख लो पहले। दो एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाई सेक्टर का और एक्यूट एंगल बाई सेक्टर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए आ गया, देखो नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमने लिख दिया ऑलरेडी, वापस तीन टॉपिक पढ़ेंगे। बाइसेक्टर्स कंटेनिंग ओरिजिन, यानी यहां ओरिजिन, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, अब ओरिजिन यहां यहां होगा, किस तरफ होगा, इधर इधर होगा या इधर इधर कहीं होगा, कौन से बाइसेक्टर होगा, दो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, तो इस वाले में पड़ेगा, इस वाले में पड़ेगा। आप सबसे पहले क्या करना, दोनों इक्वेशन में C1 एंड C2 को प्लस का बनाना, कोई माइनस का तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों इक्वेशन यहाँ पुट कर देना, नीचे रूट ए इसको प्लस बी स्क्वायर, ए वन इसको प्लस बी स्क्वायर, ए टू इसको प्लस बी टू इसको लिख देना। फिर बोल रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना, ये फॉर्मूला लगा था, देन इस फॉर्मूले में से पॉजिटिव साइन लेंगे, देन आपको वो बाइसेक्टर मिलेगा जिसके अंदर ओरिजिन लाई करता है, यानी इफ सी वन एंड सी टू बोथ मेड पॉजिटिव, देन टेकिंग पॉजिटिव साइन फ्रॉम दिस विल गिव अस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स द ओरिजिन। नोट कर लो इसको, एग्जाम्पल मैं दूंगा थोड़ी देर बाद में। बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल, अब उसमें एक प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, इस इक्वेशन में तो एक ऑब्ट्यूज का आएगा, एक एक्यूट का आएगा, एक्यूट का आएगा। आपको क्या करना, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू का प्रोडक्ट चेक करना, उसका साइन चेक करना, प्लस का एक माइनस का। अगर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस का आया तो प्लस वाला साइन लेंगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, अदरवाइज माइनस वाला आया तो एक्यूट मिलेगा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल देगा, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अगर प्लस का आता है तो प्लस वाला साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल आता है, अगर ये माइनस आता है तो माइनस वाला साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल आता है। सेम साइन लो, माइनस वाले में माइनस वाला लो और प्लस वाले में प्लस वाला लो, तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा और उल्टा वाला एक्यूट एंगल मिलेगा। या आप लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, याद रख लो तीनों चीज़ें। ओरिजिन कब होता है, ओरिजिन किस बाइसेक्टर पड़ता है, C1 एंड C2 दोनों में इक्वल करना, ठीक है, दोनों को C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाना, फिर पॉजिटिव साइन लेंगे तो वो बाइसेक्टर मिलेगा जिसमें ओरिजिन पड़ा है, मतलब उस एंगल का बाइसेक्टर होगा जिस एंगल के अंदर ओरिजिन पड़ता है। और ये वाले ऑब्ट्यूज एंगल वाला ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस का है तो प्लस वाला साइन ऑब्ट्यूज एंगल देगा, और ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू माइनस का है तो माइनस वाला साइन ऑब्ट्यूज एंगल देगा। ये तीनों चीज़ें थोड़ी एक बार कंपेयर करके दिमाग में सेट कर लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब इस एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ऊपर के आपको अगर नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आपको दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले दोनों लाइनों में C1 एंड C2 को आप पॉजिटिव बनाइएगा, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव,
ये माइनस का है तो इसको आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज, ये तो ठीक है दिस इज द सेम इक्वेशन, बट यहां पे आपने इसको प्लस का बनाया। अब आप ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू चेक कर दो, मैंने कर दिया इतना, ये नेगेटिव आया है। अब देखो तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल देता है, आपको चाहिए एक्यूट एंगल, देयरफॉर पॉजिटिव साइन विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब आप करो, देखे दो मिनट का वक्त देता हूं, फॉर्मूला पुट कीजिएगा, वो इक्वेशन बाई रूट एज को मतलब बीस को, इसका पांच हो जाएगा, इसका तेरह हो जाएगा डिवाइड में। दिस इज द सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक तरफ ले लिया, नाइन से डिवाइड किया। अब यहां पे दिस इज ऑल्सो द बाइसेक्टर इन विच ओरिजिन लाइज, बिकॉज आपने क्या क्या, सिंस आपने सी वन एंड सी टू को आपने प्लस का बना लिया है, मेड पॉजिटिव एंड देन आपने टेकन पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन पढ़ा था ना, तो ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते। क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स मोड एक्स प्लस मोड बी वाई प्लस मोड सी इक्वल टू जीरो, यहां पे मोड का मतलब जब आप हटाएंगे दिस इज प्लस माइनस, यानी मैं लिख दूंगा प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां पे दोनों प्लस के, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, या दोनों माइनस के, देन द फोर लाइंस आर, मैं लिख दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स माइनस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या दोनों ही नेगेटिव है, माइनस एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये चारों लाइंस ऐसी होगी। अब यहां थोड़ा ध्यान देना आपको, अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, ये मैं डायग्राम बना देता यहां पे, एक्स एक्स डैस हो गया, वाई वाई डैस हो गया, अच्छा ये एक्स प्लस बी वाई, दिस इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये माइनस एक्स माइनस बी वाई प्लस सी हो गया। अब यहां पे क्या होगा, इसमें ए प्लस का बी माइनस का होगा, दिस इज एक्स मतलब एक्स प्लस का वाई माइनस का होगा, एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या एक्स नेगेटिव माइनस एक्स प्लस बी वाई से इक्वल टू जीरो। ये एक तरह से ये पैरेललोग्राम, बट मैं यहां इसको रोमबस बोलूंगा, ये डिस्टेंस कितना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई का जीरो होता है, तो मैं यहां पे वाई जीरो, तो दिस इज वाई जीरो, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज मोड ऑफ सी बाई ए, ये डिस्टेंस होगा मोड ऑफ सी बाई ए, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा एक्स जीरो होगा, दिस डिस्टेंस विल बी मोड ऑफ सी बाई बी। आप यहां पे x का जीरो डाल दो तो बी वाई इक्वल टू माइनस सी वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी या मोड, तो ये भी मोड सी बाई बी। इस तरह से यहां पे क्या होगा, ये चार ट्राइंगल बन गए, ये एक्चुअली दिस इज रोमबस, दिस इज रोमबस, एरिया ऑफ रोमबस, एरिया ऑफ रोमबस बोलेगा दैट इक्वल टू फोर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, तो फोर इंटू एरिया वन ट्राइंगल क्या होगा, वन बाई टू, दिस इंटू दिस सी बाई ए इंटू सी बाई बी, दिस इज सी बाई ए इंटू सी बाई बी, यानी मोड लगा लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2c स्क्वायर बाई मोड ए बी हो गया, याद रखना। और यहां पे एक नोट करना, इफ a इक्वल टू बी
then it is a square. Then it is a square. So area will be what? So area will be 2c square by a square. ये note कर लो आप. Example की जरूरत नहीं है, time लग रहा फालतू का. Note कर लो इसको. आ गया equation of parallelogram when equation of its sides are given. Very interesting and बहुत ही कम time में आप कर सकते हैं. Otherwise क्या करेगा आपको, एक traditional method वही होता है, चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करो, फिर आपको काफ़ी लंबा काम पड़ेगा. ठीक है ना, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, फिर ए बी पता करो, फिर आप क्या करें पॉइंट बी का बी सी से या पॉइंट ए का किसी से, या फिर यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ईयर टू ईयर, लेंथ तो परपेंडिकुलर मालूम पड़ेगा. तो दैट इज़ ए लेंथी मेथड. अदरवाइज यहाँ हमारा सीधा सीधा बात है, मैंने डायग्राम समझा दिया, ये दो ए बी एंड सी डी पैरेलल है तो दोनों का स्लोप मैंने एम वन ले लिया. वाई गुड एम वन जेड प्लस सी वन एंड वाई गुड एम वन एक्स दिस इज प्लस सी टू. ठीक है, ए डी एंड बी सी पैरेलल है, इनके दोनों का स्लोप सेम है. मान लो इनका स्लोप एम टू है, तो एम टू एक्स प्लस डी वन एम टू एक्स प्लस डी टू, डी वन एंड डी टू इसके वाई इंटरसेप्ट है और इनके सी वन एंड सी टू वाई इंटरसेप्ट. सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी गिवन बाई दिस फॉर्मूला, सी वन माइनस सी टू डी वन माइनस डी टू बाई एम वन माइनस एम टू. वेरी इजी टू रिमेंबर, सब माइनस ही माइनस है, मॉड्यूलर ले लेना, बिकॉज एरिया ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज टेकन टू बी पॉजिटिव. ओके, ये आप नोट कर लो. फिर फाइंड एरिया ऑफ इक्वेशन, एग्जाम्पल दिया विद साइड्स एक्स प्लस वाई गुड वन एक्स प्लस वाई थ्री. ध्यान रखना ये दो लाइनें पैरेलल है. ठीक है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ये दो लाइनें पैरेलल है. आपको इनको इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो ये लाइन आपकी क्या बनेगी, लाइन वन विल बिकम वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन और दूसरा एल टू क्या बनेगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री बनेगा. सभी लाइनों को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. लाइन थ्री क्या बनेगा, y इक्वल टू ये 3x माइनस वन इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, y इक्वल टू 3 बाई 4x माइनस 1 बाई 4. सिमिलरली l4 क्या बनेगा, ये 3 बाई 4x माइनस 1, दिस विल बिकम 3 बाई 4x माइनस 5 बाई 4. y इक्वल टू 3 बाई 4x माइनस 5 बाई 4. ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल. सो एम वन क्या है यहाँ पे, एम वन हमारा कितना है माइनस वन हो गया और एम टू कितना हमारा थ्री बाई फोर हो गया. फिर सी वन सी टू कितना है, सी वन वन सी टू हमारा थ्री और डी वन कितना है, डी वन इज माइनस वन बाई फोर एंड डी टू इज हाउ मच माइनस फाइव बाई फोर. सो आपका एरिया कितना हो जाएगा, जस्ट नाउ फाइंड एरिया, ये फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला पुट कीजिए, गेट योर आंसर नाउ. अब चेक कर लो पुटिंग वैल्यूज ऑफ सी वन सी टू डी वन डी टू एंड एम वन एम टू, आपका आंसर 8 बाई 7 स्क्वायर यूनिट्स आ गया. इजी एंड बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आप कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट टॉपिक, फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वन वाई वन विद रेस्पेक्ट टू लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो. मेरा डायग्राम बना रखा है, दिस इज द लाइन, पी इज द गिवन पॉइंट, एम इज द फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज का मतलब अगर ये लाइन प्लेन मिरर का काम करे तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, क्यू पे. लेट एम दिस इज द फोटो परपेंडिकुलर एंड पी एम इक्वल टू एम क्यू, पी एम क्यू आर कोलिनियर, तो और Q का कोऑर्डिनेट अगर मैं एस डैश के डैश अगर एज्यूम करें तो फोटो परपेंडिकुलर तो इस लाइन से दे सकते हैं, H माइनस एक्स वन बाई ए के माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसको और इसको कंपेयर करके आप H मालूम कर सकते हैं, इसको इसको कंपेयर करके यू कैन फाइंड K.
सिमिलरली यू कैन फाइंड एच वन एंड के वन, बट यहाँ ध्यान रखना यहाँ और इसमें फर्क है माइनस टू, क्योंकि ये एम मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो ये टू से मल्टीप्लाई हुआ, बाकी कोई फर्क नहीं है। एच डैश माइनस एक्स वन बाई ए, के डैश माइनस वाई वन बाई बी, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट इन गिवन लाइन। नोट करो, इसको पॉज करके नोट करते हो, नोट्स बना लो आप। एक बार आप वीडियोज आए, आप दो घंटे का या ढाई घंटे का होगा, लेकिन नोट्स आप आधे घंटे में रिवाइज कर लेंगे अगर आपने बना रखा है तो। आधा घंटा नहीं, अगर 15-20 मिनट भी सफिशियंट होगा आपके लिए। नाउ सीन एग्जांपल, नाउ फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द ओरिजिन इन लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू। ओरिजिन का इमेज क्या होगा, और ओरिजिन से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप यू कैन सी दिस फॉर्मूले आफ्टर सॉल्यूशन। ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा 1-1 एंड इमेज विल बी 2-2। ये हमेशा जरूरी नहीं कि डबल ही होगा, ठीक है। आप इसको लिख लो, समझने के लिए एनएफ है फॉर्मूला, याद रखना। एच माइनस एक्स वन बाई ए, के माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस बी वन प्लस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। ये वाला माइनस टू होता है, टू से मल्टीप्लाई होता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं, सेम होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज में। गॉट इट और नॉट? गॉट इट। अगला हेडिंग, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आप इसको पहले देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी दिस इज कंटेनिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड द टर्म एक्स वाई ऑल्सो। दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रू ओरिजिन बिकॉज देर इज नो कॉन्स्टेंट टर्म। तो कोई भी कर्व होगा, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाट एवर इट इज, अगर कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है तो द इक्वेशन ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से निकलने वाली है। ये क्या है, दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। मान लो मैं बोल लूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे वन हो गया और दिस इज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री हो गया। आप इनको इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एक इक्वेशन मिलेगी टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस जो भी है एक्स वाई के कुछ टर्म मिलेगी, प्लस टू एक्स वाई माइनस एन प्लस एक्स वाई मिलेगा। तो इनके कंबाइंड इक्वेशन ये है, तो ये रिप्रेजेंट करता है दो लीनियर इक्वेशन के पेयर को, जहां पे अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है, या ध्यान रखना। अगर m1 एंड m2, मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इनका जो कंबाइंड का था स्लोप होगा, इनका स्लोप का सम विल बी माइनस टू एच बाई बी एंड प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 विल बी एच बाई बी। यहाँ से हाउ टू फाइंड h, इट इज द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x y, यानी क्या है x y का कोएफिशिएंट 2h, कोएफिशिएंट ऑफ x y इज 2h। सपोज आपको मिल गया 6x, 6xy, तो यहाँ 2h इक्वल टू 6 है और x h इक्वल टू 3 है। सीधा x y को कोएफिशिएंट आधा करना, दैट इज h। नाउ एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज थीटा, देन tan थीटा कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। याद करना फॉर्मूला, टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। अब दीज लाइन्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों लाइन सेम ही है, यानी दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो थीटा को जीरो डाले, टेन जीरो जीरो होता है, दैट मीन न्यूमरेटर इज जीरो, ऊपर वाला जीरो होता, दैट रिजल्ट इज एच स्क्वायर इक्वल ए बी। लाइन्स परपेंडिकुलर है, यानी थीटा 90 डिग्री, टेन 90 नॉट डिफाइंड मीन इन्फिनिटी होता है, दैट मीन डिनोमिनेटर जीरो, यानी ए प्लस बी जीरो। ये ध्यान रखना, ए प्लस बी जीरो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा बट नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये चीजें ध्यान, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते, नोट्स बनाते रहो। अब आ गया एग्जांपल, दे दिया मैंने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स बिटवीन एबो लाइंस, यानी इन दो
जो लाइन लिए जो स्ट्रेट लाइन से इनके बीच के जो बाइसेक्टर होगा उनका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी एंड इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। देन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन बिकॉज दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन दीज लाइन्स आर ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू अबोव लाइन्स वो होगा यहाँ ध्यान रखना बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट आप इंटरचेंज कर दो एंड ये एक्स वाई वाली टर्म का साइन पलट दो दैट विल बी वेरी इजी कोई दिक्कत नहीं है इसको तो मैं कराऊंगा ही नहीं आपको जैसे मान लो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एक्स वाई माइनस थ्री है तो यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा एक्स वाई चेंज हो जाएगा यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। मैंने दे दिया एक एग्जाम्पल एंगल बिटवीन लाइन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर तो आपको टेन थीटा फॉर्मूला क्या था आपको याद हो रहा है टेन थीटा इज मोड ऑफ टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। अब यहां पे टू इंटू एच कितना है माइनस का सेवन बाई टू स्क्वायर क्या है फोर्टी नाइन बाई फोर हो जाएगा माइनस ए बी टू इंटू थ्री यानी माइनस का सिक्स बाई ए प्लस बी दैट इज टू प्लस थ्री। अब इफ यू परफॉर्म कैलकुलेशन दिस विल बी ट्वेंटी फाइव बाई फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा बाई फाइव यानी ये टू इंटू ऊपर हो जाएगा फाइव बाई टू नीचे हो जाएगा फाइव यानी फाइव दैट फाइव बाई फाइव यानी वन तो थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स वन यानी आपका हो जाएगा 45 डिग्री ये लाइनों के बीच के में इसमें एंगल 45 डिग्री है नोट कर लो इसको। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं एग्जांपल देख लो आप एक और एग्जांपल इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स मालूम करना ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर सेम लाइन है आप इनके बीच का बाइसेक्टर मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला याद करो दैट्स ऑल हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होगा ठीक है और ऐसी लाइन जो इनके परपेंडिकुलर है वो वाला क्या होगा सब याद रखना एम वन प्लस एम टू एम वन एम टू सब क्या होता है बस दैट्स ऑल। सो अगर आपकी इक्वेशन याद है एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बाई इक्वल एक्स बाई एक्स वाई बाई एच तो ए बी सी मालूम कर लिया बाकी सॉल्यूशन आपको दिख रहा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। यहाँ पे ध्यान रहना दीज आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इसलिए ए प्लस बी यहाँ पे इसका ए प्लस बी क्या है ए प्लस बी इसका जीरो है ऑलराइट तो दैट योर आंसर लिख लो इसको। अब अगला टॉपिक आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये जनरल इक्वेशन आप कोई भी दे दिया सेकंड डिग्री का बट सारी सेकंड डिग्री वाली वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती कुछ सर्कल होते हैं कुछ एलिप्स भी होते हैं कुछ हाइपरबोला भी होते हैं। सो वो एक्स एंड वाई में कोई अगर जनरल इक्वेशन है और वो इक्वेशन ऐसी होती है उसमें एक्स स्क्वायर भी होता है वाई स्क्वायर भी होता है एक्स वाई भी होता है एक्स बी वाई बी कॉन्स्टेंट सब होता है तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर ये तो ठीक था अभी हमने पढ़ा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो पासिंग थ्रू ओरिजिन था यहाँ तक लेकिन उसमें एक्स वाले टर्म वाई वाले टर्म में तो टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी आप और ऐड कर दो टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो आप ऐड करते हैं तो दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कब ये कंडीशन है तब अदरवाइज नहीं तो रिमेंबर ए बी सी प्लस टू एफ जी एस ये तो दो याद रहो फिर ए बी सी प्लस टू एफ जी उसके बाद क्या करना आप ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी अब एफ जी एच स्क्वायर स्क्वायर ए बी सी एफ जी एच ठीक है अगर इसका रिजल्ट जीरो है तो ये स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा या ये डिटर्मिनेंट है याद रख लो ए एच जी इधर कर लो जी एफ सी और ये सर डायगोनल ए बी सी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो दिस एंड दिस इज सेम थिंग। फिर उसमें कई बातें होती है अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है मतलब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो
उस केस में एच डी स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा हो गया, लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। अगर एच डी स्क्वायर ए बी के बराबर है, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि टेन थीटा अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेन थीटा, इनका टेन थीटा अभी पढ़ूंगा, दैट इज टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो पैरेलल है, दैट मीन्स उनका थीटा जीरो, यानी न्यूमरेटर जीरो हो गया, टेन जीरो जीरो होता है एच स्क्वायर ए बी। अगर एच स्क्वायर ए बी से कम हो गया, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, यानी न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट जो ये दिस क्वांटिटी विल बिकम नेगेटिव है, तो नेगेटिव नॉट डिपेंड, दैट मीन लाइन्स देयर इज नो लाइन, ओनली दे लाइन्स रिड्यूस टू ए पॉइंट। ये चीज याद कर लो, मोटा चीज ये याद कर लो, ए बी सी टू एफ जी एस माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी जी सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बाकी ये तो याद भी याद, ये एच क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट का हाफ, एक्स इज द जी क्या चीज है, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड एफ इज द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सपोज आपको यहाँ कुछ मिला है, यहाँ थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव दे दिया, इधर कुछ है, तो यहाँ पे आपका जी क्या, जी इज थ्री बाई टू एंड एफ इज टू, कोएफिशिएंट के एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ कर लो आप, ठीक है, नोट इट डाउन। अगर थीटा उनके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, यहां पे क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन दीज लाइंस, बिटवीन दीज लाइंस, तो टेन थीटा कैन बी गिवन, सेम फॉर्मूला अभी होमोजीनियस वाले का सेम था, टू रूट एच के मान से ए बी बाई ए प्लस बी, बिकॉज थीटा का वैल्यू डिपेंड करता है एच एंड बी पे, जी एंड एफ पे थीटा का वैल्यू, एंड सी पे थीटा डज नॉट डिपेंड, ठीक है। देन दीज लाइन्स आर पैरेलल, वही एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और उसमें होमोजेनियस वाले में लाइन कोइंसाइड हो रही थी, अगर उसमें ए प्लस बी सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा था, तो ये याद रखना परपेंडिकुलर है, तो टेन थीटा नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाता है और डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, और ऊपर वाला जीरो अगर पैरेलल है तो। नाउ अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं ये बता दूं कैसे होता है। इस सेकेंड डिग्री वाली इक्वेशन को, पहली बात तो ये पैरोबिस्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन या गिवन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, आपको ये मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी, बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक, आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी एक्स एंड वाई में। फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे फॉर एक्स एंड वाई, तो आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब एंगल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी, ये फिर है वेयर एक्स वन वाई वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू लाइन्स। आप इसको नोट कीजिएगा, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा आपने दिमाग में भी जोर देना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। एक और नोट कर लो आप, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, यानी एच स्क्वायर और ए बी इक्वल है, देन उनके बीच का डिस्टेंस तो होगा, दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला टू रूट जी स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। इसको नोट कर लो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल जीरो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंगल बिटवीन द लाइंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको फॉर्मूला अभी अगर आपने नोट्स बनाए तो आप इसको करोगे, केरला सीईई में पूछा गया था, केरला सीईई में बहुत पहले, केरला में अलग एग्जाम होता था, केरला सीईई में ये एग्जाम पूछा गया था।
वो तो आप कर सकते हैं, एक यू कैन फाइंड लेमडा वाला कि आप डिटर्मिनेंट के वैल्यू जीरो कर लो, आप कुछ भी कर सकते हैं आप यार, ए बी सी प्लस टू एफ जी एस माइनस ए पी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर जीरो करके लेमडा के वैल्यू लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा जीरो करना उसको, देन टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करना, और ये मैं अभी आपको करूंगा। पहले आप इसको क्वेश्चन को लिखिएगा, नोटबुक में जो आपने नोट्स लिखे हैं प्लीज उनका जरूर यूज कीजिएगा। अब ये एग्जांपल आप देखो, तो सीधा सॉल्यूशन ये, यहां पे ए की जगह लैम्डा बी माइनस वन एच माइनस वन जी माइनस, जस्ट कंपेयर इट यू गेट इट। एंड पहला, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, दे आर द स्ट्रेट लाइन, देन फाइल वैल्यू द लेमडा, देन मीन्स ए बी सी प्लस टू एफ जी एस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल जीरो होता है, यानी पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एच जी एफ एंड सी वी गेट लेमडा इक्वल टू थ्री। सेकेंड पार्ट में आपको एंगल पूछा है, एंगल थीटा है तो टेन डी, यहाँ पे लेमडा के वैल्यू थ्री है, वही लेमडा जो है दैट हैज बिकम ए। नाउ टेन थीटा अप्लाइंग फॉर्मूला, आपको थीटा मिला टेन इनवर्स टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ये वाला मैं समझा देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना, अभी आपको पहले ऊपर नोट्स में बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप डेल एफ बाई डेल एक्स, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। यहां पे आपका थ्री आया था, थ्री एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सिक्स एक्स हो गया, या वाई कॉन्स्टेंट टू वाई कॉन्स्टेंट है तो माइनस टू वाई, और एक्स का वन हो गया माइनस टू एक्स, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट इसका वन ही इसका हो गया, यानी वाई स्क्वायर का जीरो माइनस टू एक्स का टू, टू वाई का अगेन जीरो, तो यहां वाई को एक कॉन्स्टेंट लेटर की तरह ट्रीट किया गया। दिस हैज गिवन यू लीनियर इक्वेशन डिवाइडिंग बाई टू, वी हैव गॉट थ्री एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल जीरो। अगेन डी एफ डेल एफ बाई डेल वाई डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन दैट फंक्शन एक्स एंड वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। ये अब यहां पे एक्स कॉन्स्टेंट है, ये टर्म खत्म हो जाएगा, टू एक्स कॉन्स्टेंट है, वाई का क्या हो गया वन ही हो गया, तो दिस इज माइनस टू एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर का टू वाई, एंड एक्स कॉन्स्टेंट इसका जीरो हो गया, टू वाई का अगेन टू हो गया, डिवाइडिंग बाई टू वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू वन बाई टू, वाई का वैल्यू वन बाई टू, यानी इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वन बाई टू कॉमो वन बाई टू, समझ आ गया, ये नोट कर लो। अब हम इसके बाद लोट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप एक बार नोट्स अगर आपने लिखे हैं तो प्लीज आप इनको एक बार वापस रिवाइज कर लो 10 या 15 मिनट में, फिर आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, स्पेशली ये सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन थी उनको आप एक बार वापस पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स कम्युनिटी एग्जाम्स, आप ट्राई करते रहेंगे, जहां आप फंसेंगे कहीं कहीं तो मैं खाली हिंट दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके लिए, आईआईटी 2006 फॉलोड बाय आईआईटी 2009, इफ इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स आर। अब आप ट्राई करना कर सकते हैं, अदरवाइज आप पॉज वीडियो को प्ले कर लीजिए, यानी ये दो इक्वेशन है या ये दो है या ये दो है या ये दो है। अब मैं आपको बताऊं, इसको अगर फैक्टराइज करूं, इंट में आपको देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री, ये दो इक्वेशन ये बन गई, दिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड अनदर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसका माइनस फाइव प्लस वन हो कितना होगा, दिस विल बी इंप्लाइज दैट वाई माइनस वन
y minus 5 equal to 0, therefore y equal to 1 and y equal to 2. ये चारों साइड का इक्वेशन है. सो कुछ नहीं, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस एक्स एंड वाई के पैरेलल है, दैट मींस इट विल बी दिस पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल. सो अब मैं आपको बोलूं, एक रेक्टेंगल है जहां एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू थ्री, तो टू एंड थ्री तो ज्यादा गैप नहीं है, इस तरह का होगा. दिस इज एक्स इक्वल टू टू एंड दिस वन इज एक्स इक्वल टू थ्री. y इक्वल टू वन, y इक्वल टू फाइव हो गया. तो y इक्वल टू वन, दिस इज y इक्वल टू वन, और ये वाला हो गया y इक्वल टू फाइव, दिस इज y इक्वल टू फाइव. अब हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, मैं इसको बोल, इसको मैं अंदर लिख दूंगा y इक्वल टू वन. सो ये मान लो मैं a b c d. अब a का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1, B is 3 1, ये 2 and 5, this is 3 and X 3 Y 3 5. तो क्या होगा, चेक कर ले, 2 1, X 2 Y 1, X 3 Y 1, या y का 5, x इक्वल टू एक्स और 3, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स. नाउ यू कैन इजीली फाइंड, नाउ प्रोसीड, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सी एन. नाउ इन आपके लिए, नाउ फाइंड इक्वेशंस ऑफ ए सी एंड बी डी यूजिंग पॉइंट पॉइंट फॉर्म, आपका आंसर आएगा सी. ऑलराइट, यूजिंग इसका कर सकते हैं हम ए सी एंड बी डी का, दोनों का, दो दो डायगोनल है, कर लो आप. सेकंड क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू कोप्लेनर परपेंडिकुलर लाइंस इज वन, देन लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज. नाउ ये यहां यहां पूछा गया. तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, तो लेट परपेंडिकुलर लाइंस बी, ये तो यहां पूछा गया, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस. अब यहां देखो, किसी पॉइंट का मान लो, यहां पे मैं बताऊं, ये मान लो पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, जिसका लोकस मालूम करना होता है उसका हम कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेते हैं. तो इसका वाई एक्सिस से कितना दूरी है, हाउ मच दिस इज वाई यूनिट. अगर ये नीचे होता तो इसको माइनस वाई बोलते, एक्स दिस इज वाई यूनिट अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड एक्स यूनिट अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, दिस इज एक्स. तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक्स का भी प्लस का माइनस का. तो दिस एक्स प्लस वाई, यानी मैं बोलूंगा मोड एक्स, देयर फॉर मोड एक्स आपको दिया हुआ है, प्लस मोड वाई इक्वल टू वन, ये दिया हुआ है. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस प्लस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज वन. यानी ये कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, अगर दोनों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट अगर पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव होगा, x माइनस वाई इक्वल टू वन, ओके, x नेगेटिव माइनस एक्स प्लस वाई, और इसमें दोनों ही नेगेटिव होगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन नंबर तीन, और इसमें x प्लस का y नेगेटिव होगा, होगा x प्लस, यानी x माइनस वाई इक्वल टू वन. ये क्या है, ये दिस इज द स्क्वायर. अब x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई एंड x माइनस वाई, this will form a square. So the answer is D. ठीक है, नोट कर लो अभी. तो the locus will be square. Question 3, NDA 17. The angle between the lines represented by x square plus 4xy plus y square equal to 0. This is the pair of homogeneous equation.
representing pair of lines. So इसका एंगल कितना होगा? ऑप्शन आई नॉट गिवन, ऑप्शन में दे देता हूँ 45 degree, 60 degree, देन 30 degree एंड दे आर 90 degree. ओके, देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 मिला एंड h इक्वल टू कितना मिला, 2 मिला, एंड b इक्वल टू 1 मिला. तो tan थीटा कितना होता है आपको मालूम है, tan थीटा इज 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, यानी 2 इंटू एच स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 इंटू 1 1, दैट इज ए प्लस बी 1 प्लस 1. तो दिस इज 2 रूट 3 बाई 2, यानी कुल मिला के दिस इज इक्वल टू रूट 3. Therefore, theta equal to tan inverse root 3, कुल मिला के ये 60 degree आंसर है. ऑप्शन बी करेक्ट, नोट कर लो. आपको मैं फिर बोलूंगा, जितने भी आपने नोट्स बना रखे एक बार फॉर्मूले वापस पढ़ लो, बाकी कुछ भी नहीं. इस चैप्टर में बहुत मस्त चैप्टर है, हर बार हर एग्जाम में एनडीए में एक या दो क्वेश्चन इसमें जाते हैं, आईआईटी में कभी एक आता है कभी दो भी आ जाते हैं, ठीक है, बट एक तो मिनिमम आता ही आता है, जेई मेंस में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है. सिर्फ आपको एक बार नोट्स पढ़ने हैं, यानी फॉर्मूले वापस आपको चेक करने, आइडेंटिटीज चेक करनी, ठीक है, बाकी कोई आपको रोक नहीं सकता. अगला सवाल, ये क्वेश्चन एनडीए में आया था, एनडीए 16 में. अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस x प्लस y इक्वल टू 2 है एंड इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स इज 2 माइनस 1, देन लेंथ ऑफ इट साइड इज व्हाट. आपको क्या करना, पॉज करके ट्राई कर लो, अदरवाइज सीधा प्ले करो, मैं बताऊंगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इंट दे रहा हूं मैं आपको, आई एम गिविंग यू द इंट, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब मैं ट्राइंगल का नाम ले दूं, दिस इज ए बी सी. मान लो ये 2 माइनस 1 है, तो ये क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया मैंने. अब आप एक काम करना, हाउ टू फाइंड बी सी पता करो या ए सी पता करो, इक्वल ट्राइंगल ऑल द सेम. सो आप डिस्टेंस पता कर लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी सी डी, तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, मोड ए एक्स वन, ए एक्स वन 1 इंटू 2, दैट इज 2 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, एंड दिस इज माइनस 2 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1, ये कितना हुआ, दिस इज कैंसिल गॉट, यानी दिस इज 1 बाई रूट 2. अब ये 1 बाई रूट 2 हो गया, ये 1 बाई रूट 2, इसको मैं ए ले लेता हूँ, दिस एंगल इज 60 डिग्री. इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया भाई बताओ, साइन 60 डिग्री क्या हो गया, 1 बाई रूट 2 बाई ए, यानी ए साइन 60 डिग्री आपको मिला 1 बाई रूट 2. तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई रूट 2. तो हाउ मच इज ए, अभी मैं यहाँ लिख दूँ, ए विल बी, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 बाई रूट 2 और ऊपर जाएगा ये 2 बाई रूट 3 आएगा, तो योर आंसर इज रूट 2 बाई 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नोट कर लो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा आनंद आता रहेगा. क्वेश्चन आ गया, ये यहां पे कर दो, इट्स दिख नहीं रहा होगा आपको. द इक्वेशंस ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, 4 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 एंड 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. Then the line 3x minus 4 equal to 0 passes through it. आपको मिलता है 2 या 3 मिनट का वक्त. I don't know कि जेई मेंस में इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया था. मैं बताऊं देखो बच्चों, ये जो लाइन है ये वाली और ये वाली, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इसको मैं L1 दे दूं, दिस इज L2 दे दूं. So L1 perpendicular to L2 and passes through 0 0, hint दे दूं मैं आपको, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और ये 0 0 से गुजर रही है.
दैट मीन्स इसका ऑर्थो सेंटर क्या है, विच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब ये लाइन भी क्या है, द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू जीरो ऑल्सो पासेज थ्रू 0, 0। इसका मतलब क्या आंसर हुआ, ऑर्थो सेंटर ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि राइट ट्राइंगल में दिस इज राइट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर इज द राइट वर्टेक्स, द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लो इसको। सवाल नंबर 6, पहले तो ये देख लो रुड़की, पहले आईआईटीज अपना अलग एग्जाम कंडक्ट किया करते थे, रुड़की में आया था रुड़की आईआईटी, देन उसके बाद कई लोगों ने इसको कॉपी किया, डीसीई दिल्ली, यूपीसी, AIEEE, पीटी राजस्थान, आईसीएस केरला, सीईटी वगैरह वगैरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसके बाद में भी कॉपी किया होगा। सवाल पढ़िए, ये एक पेयर ऑफ लाइन है और ये दूसरा एक पेयर ऑफ लाइन है, दिस इज माइनस वाई, इसको रखें माइनस वाई इसको रिकॉर्ड 0, ठीक है। रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स सच दैट ईच पेयर रिप्रेजेंट बाइसेक्टर्स ऑफ बिटवीन द लाइन्स ऑफ द अदर पेयर। यहां पे आपको मैं बताऊं, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, कोई लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो इसका बाइसेक्टर्स क्या होगा मालूम है, बाइसेक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बाई इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं अगर बोलूं इस लाइन का बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी बोले तो 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1, और एक्स वाई बाई एच क्या है, व्हाट इज एच हियर, एच इक्वल टू माइनस, यानी 2h इक्वल टू माइनस 2m, एच इक्वल टू माइनस m, तो दिस इज माइनस m। अगर आप इसको इधर उधर करें तो ये हो जाएगा, दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिर आपको दे देगा प्लस 2xy बाई m, प्लस मल्टीप्लाई किया 2xy और बाई m हो जाएगा दिस इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो 2 बाई, ये खुद बाइसेक्टर जो है ना, क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये, तो अब इसको कंपेयर करेंगे, इसका बाइसेक्टर ये निकल गया, अब एटीपी कंपेयरिंग विद ये क्या है, एक्स इसका माइनस वाई इसका माइनस 2nxy इक्वल 0, तो बाकी सेम है, ये हो गया हो गया, आपको क्या करना 2m xy का कोएफिशिएंट, तो दैट इज 2m इक्वल टू माइनस 2n, तो क्या हो गया 2 से 2 कैंसल, माइनस एम एन इक्वल टू 1, यानी एम एन इक्वल टू माइनस 1, ऑप्शन है ना कहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना मजेदार क्वेश्चन था, घुमावदार था। आपको एंगल बाई सेक्टर्स की इक्वेशन याद करनी, मैं फिर से बोलूंगा, आप प्लीज आइडेंटिटीज या फॉर्मूले एक बार याद कर लो, बाकी कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। आप नोबडी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इफ यू हैव मेमोराइज्ड ऑल द आइडेंटिटीज। लिखो इसको पहले। अगला सवाल 7, यूपीएससी यानी आईएएस बनने के लिए जो आप पेपर देते हैं, दैट एग्जामिनेशन इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया था उसका ये क्वेश्चन था, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस L1 एक्स प्लस वाई इक्वल 0, सेकेंड लाइन इज 3x प्लस वाई इक्वल 4 एंड द लाइन 3 इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज इट। यहां पे कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा, स्लोप
आप दो है ना, इसके इसके बीच एंगल, इसके बीच एंगल निकालो। स्लोप ऑफ एल वन क्या हो गया, दैट इज माइनस वन, और स्लोप ऑफ एल टू क्या, स्लोप कितना हो गया, माइनस थ्री, क्योंकि माइनस ए बाई बी, क्योंकि एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी हम यूज करेंगे। एंड उसका एल टू का स्लोप, एल थ्री का स्लोप कितना हो गया, माइनस वन बाई थ्री। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, जस्ट हिंट, दिस इज जस्ट हिंट, पूरा नहीं करूँगा मैं आपको। तो आप पता कीजिए, एंगल बिटवीन एल वन एंड एल थ्री, एल वन एंड एल टू, ओके, एंड फिर एंगल बिटवीन एल वन एंड एल थ्री, ये दोनों आपके सेम आएगा। सो योर ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस यूजिंग टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू, वन प्लस एम वन एम टू, फॉर फॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है, इसके इसका और इसका इसका, योर आंसर विल बी बी, आइसोसेलेस एंगल है, दो एंगल इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपली 2005 एंड एनडीए 2009। पहले आप सवाल पढ़िएगा, काफी लंबा चौड़ा काम है। ए पेयर ऑफ लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर द लाई अलोंग डायमीटर्स ऑफ द सर्कल एंड डिवाइड द होल सर्कल इंटू फोर सेक्टर सच दैट द एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर इज थ्राइस द एरिया ऑफ द अदर सेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करके मैं आपको हिंट देता हूं, आपको एक सर्कल बनाओ पहले, ये चार सेक्टर में डिवाइड करता है एक लाइन, दीज लाइन्स आर जस्ट डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अब ये और ये एरिया इक्वल है, ये और ये एरिया इक्वल है, मान लो इसका एरिया कुछ है, तो इसका एरिया, इसका एरिया ये मान लो x है, तो ये 3x है, तो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, है कि नहीं है, x प्लस 3x कितना हो गया, x प्लस 3x पाई हो गया ना, ओके, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 3x इक्वल टू, 3x इक्वल टू, सॉरी 4x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई बाई फोर, या थीटा पाई बाई, तो दिस एंगल इज पाई बाई फोर। नाउ अब थीटा हमारा पाई बाई फोर हो गया, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, आपको पता लाइन अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो में टेन थीटा क्या होता है, टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी होता है। बट यह व्हाट इज एच हियर, इसमें एच क्या हमारा, इसमें एच हमारा है, दिस इज टू एच एक्स वाई, टू एच एक्स वाई का कोपिन, दिस इज एच इक्वल टू ए प्लस बी है, तो हम करेंगे टेन पाई बाई फोर, टू रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी एंड बाई ए प्लस बी, ए की जगह है ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, दिस इज वन इक्वल टू, ये हो जाएगा टू रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, दिस विल बी ए प्लस बी। अब आपको मैं बोलूंगा स्क्वायर, स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई, आपको मिलेगा ऑप्शन, यू गेट थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर, ठीक है ना, टू गेट टू ए बी, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा आपको। काफी मजेदार क्वेश्चन था, आ रहा मजा नहीं आ रहा, बोलो, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद पढ़ो, ध्यान रखना एंगल कैसे हो पाई बाई फोर, देन
देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपको एंगल बिटवीन द टू लाइंस एंड उनका एंगल बाई सेक्टर वगैरह सारा काम आता है। और ऐसा क्वेश्चन एक आता है जाइबा, और ये अपनी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बड़ी बात तो ये। सवाल देखिए कितना मजेदार है, दो वर्टेक्स दे रहे गए ट्राइंगल के, टू माइनस थ्री एंड माइनस टू वन, एंड इसका सेंट्रोइड जो इस लाइन पे पड़ा है, तो थर्ड पॉइंट सी का वर्टेक्स जो का उसको लोकस किया है। आपको मैं बता दूं, जिस पॉइंट का लोकस मालूम करना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लो। और लोकस का मतलब वो एक रिलेशन होगा एक्स एंड वाई के बीच में, दैट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट हियर। सो मैं हिंट दे दूं आपको, ये ए है हमारा टू माइनस थ्री एंड दिस बी इज माइनस टू वन, और ये पॉइंट सी को अगर मैं ले लूं एक्स कॉमा वाई, ओके, और सेंट्रोइड जी इफ यू टेक एच के, ठीक है, और ये सेंट्रोइड जी जो है दिस लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन कौन सी हमारी, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन। तो आप कर सकते हैं टू एच प्लस थ्री के इक्वल टू वन हो गया, फिर सेंट्रोइड का फॉर्मूला डालना, टू माइनस टू प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू एच, एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री इक्वल टू के करना, एच और के का वैल्यू आप मालूम करेंगे एक्स, ठीक है ना, एक्स के टर्म, इससे आपको क्या मिलेगा, टू एच प्लस थ्री के इक्वल टू वन होगा, और एच और के का वैल्यू यहाँ से मालूम करके इसमें वन में डाल देना। अब ट्राई कीजिएगा, व्हाट आंसर डू यू गेट, फिर मैं कराता हूँ आपको। ये लो मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसका, एच का वैल्यू एक्स बाई थ्री, के का वाई माइनस टू बाई थ्री आ गया, एच और के का वैल्यू यहां से इसमें डाल दो, आपका रिजल्ट होगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल नाइन, योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जेई मेंस 2014 का सवाल है, काफी मजेदार क्वेश्चन। Let A, B, C, D be non-zero numbers. If the point of intersection of lines, these two linear equations, hai, their intersection lies in fourth quadrant and is equidistant from two axes. कोई भी point दोनों axes से equal distance पे होता है तो numerically वो same होता है, numerically वो same होगा, समझ आया ना। Suppose ये पॉइंट है, इससे तीन यूनिट तीन, तो तीन तीन होगा, और इससे बराबर है तो ये दिस विल बी थ्री कॉमा माइनस थ्री, ठीक है, और यहाँ माइनस थ्री होगा, इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ से तो न्यूमेरिकली सेम है, तो दैट मीन्स, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम क्या बोलेंगे, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी अल्फा एंड माइनस अल्फा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, इसमें अल्फा एंड माइनस अल्फा। अब आप क्या करना, ये एक्स की, एक्स का वैल्यू अल्फा है, ओके, एंड उसके बाद वाई का वैल्यू माइनस अल्फा है, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू इसमें डालो, फिर अल्फा का वैल्यू सी एंड ए के टर्म्स मालूम करो, सिमिलरली पुट दिस पॉइंट इन दिस वन एंड गेट वैल्यू अल्फा इन टर्म्स ऑफ सी एंड ए, यहां से अल्फा मिलेगा, यहां से भी आपको अल्फा मिलेगा, ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करना, यू विल गेट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, ट्राई करिएगा। अब कर लिया, इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा, y की जगह माइनस अल्फा डाला तो आपको ये मिला, इसमें भी x का एंड y का वैल्यू अल्फा एंड माइनस अल्फा डाला तो ये मिला, यहां से अल्फा का वैल्यू माइनस सी बाई टू है, इधर अल्फा का वैल्यू माइनस डी बाई थ्री भी, इन दोनों को कंपेयर किया है, आपको आंसर मिला ये, सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ज्यादा धीरे चलने से फायदा नहीं है, वीडियो लंबा बन रहा फालतू का, ओके, नोट कर लो इसको। अब 2014 में एक क्वेश्चन भी था, सेम ईयर में दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस स्ट्रेट लाइन से, क्वेश्चन पढ़ लो, पीएस इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस पी क्यू एंड आर,
are given. Equation of line passing through 1 minus 1 and parallel to median PS is what? This you can do it. आपको मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ. फिर भी मैं अभी रुकूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा बनता जा रहा है. तो ये काम करते हैं, आपको मैं हिंट देता हूँ. आई विल जस्ट गिव यू हिंट. ट्राइंगल पी क्यू आर. दिस इज पी, पॉइंट इज 2, 2. क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? 6 - 1. आर का कोऑर्डिनेट क्या है? 7, 3. अब पी एस एक मीडियन है, यानी एस मिड पॉइंट है. दिस इज एस. तो इस एस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 7 + 6 = 13/2. 3 - 1 = 2, 2/2 = 1. अच्छा, अब आप करेंगे स्लोप ऑफ पी एफ. स्लोप ऑफ पी एस वो हो जाएगा 2 - 1, 1. कितना हो जाएगा? एंड 2 - 13/2 कुल मिलाकर आपका हो जाएगा पी एस का -2/9 आ जाएगा. और जो सिंपल -2/9 ये हमारे एम होगा. बट सपोज दिस इज द लाइन पैरेलल टू पी एस, इसका स्लोप आपका है एम इक्वल टू -2/9 है. एंड पासिंग थ्रू 1 - 1, 1 - इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारा हो जाएगा y - -1, दैट इज y + 1 इक्वल टू -2/9 x - 1. आप जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2x + 9y + 7 = 0. यू विल गेट दिस आंसर. ऑप्शन डी आपको मिलेगा करेक्ट. चेक करना इसको. AIEEE 2010 का सवाल. एक लाइन दे रखी है, लाइन एल x/5 + y/b = 1 एंड अनदर दिस लाइन पासेस थ्रू 13, 32. लाइन के इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड हैज द इक्वेशन x/c + y/3 = 1. अब आपको डिस्टेंस बिटवीन एल एंड के मालूम करना है. वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई, अदरवाइज मैं आपको बताऊं. दिस लाइन पासेस थ्रू 13, 3/2. 13, 32 से गुजर रहा है. तो एक्स एंड वाई के वैल्यू इसमें मालूम करके, इसमें पुट करके यू फाइंड वैल्यू ऑफ बी. इसको एक जनरल फॉर्म में लिख देना लाइन को. दिस विल बी बी का जो आएगा bx + 5y = 5b आएगा. बी के वैल्यू लाना, ठीक है. अब उसके बाद में बी का वैल्यू वापस इसी में पुट करके इसको इक्वेशन बना लेना जनरल वाले. फिर ये बोल रहा है ये लाइन एल, दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन के. एल एंड के पैरेलल है, दोनों का स्लोप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा सी. फिर सी का वैल्यू वापस इसमें पुट करके लाइन को जनरल फॉर्म में लिख लेना. फिर दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस रूट मोड ऑफ c1 - c2 / √x² + b², ठीक है. यू कैन फाइंड इट. पॉज करके ट्राई करो, आपका आंसर आएगा. नाउ यू कैन सी योर सॉल्यूशंस हियर. इस लाइन को मैंने x/5 + y/1 लिख दिया तो मल्टीप्लाई करके आपको मिला bx + 5y = 5b. बट पॉइंट 13, 32 मैंने पुट कर दिया इसके ऊपर तो आपको मिला बी का वैल्यू -20. तो ये इक्वेशन वापस यहाँ मैंने रख दिया, बी का वैल्यू -20x + 5y = 5 - 2, दैट इज -100 डिवाइडिंग बाई 5. अब -5 आपको मिला 4x - y = 20. अब ये लाइन जो है दूसरी लाइन मैंने 3c से मल्टीप्लाई किया, दिस 3x + cy = 3c. बट ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिस एंड दिस पैरेलल, इनका स्लोप सेम होना चाहिए. इसका स्लोप हो गया -a/b 4 हो गया, इसका स्लोप हो गया -3/c. तो c का वैल्यू -3/4 आया. अब c का वैल्यू आपने वापस यही रखा है, आपको इक्वेशन मिल गई है. 1 और 2 के बीच में यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द डिस्टेंस. योर आंसर विल बी 23/√17. ऑप्शन ए इज करेक्ट. मैं इधर हट जाता हूँ, यू कैन व्यू द आंसर. आराम से करिए और आपने कर लिया होगा आई एम श्योर. AIEEE 2010 का क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. कीप ऑन नोटिंग डाउन. अगला सवाल JEE Mains 2013 का क्वेश्चन है. रे ऑफ रिफ्लेक्टेड
the ray of light x plus root 3 y equal to root 3, यानी जो एक प्रकाश की किरण आ रही है वो दैट इज अ लाइन और इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज दिस. इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन रीचिंग x एक्सिस. द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज व्हाट? आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने. मैं आपको हिंट दे दूं, आई विल जस्ट गिव यू ओनली हिंट, दिस इज x एंड y एक्सिस. x प्लस रूट थ्री है, इस लाइन का स्लोप क्या? माइनस वन बाई रूट थ्री है तो नेगेटिव है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यानी ऐसे कुछ होगा, लगभग ऐसी होगी. ये किरण आ गई, इसकी इक्वेशन है x प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू रूट थ्री. अब ये इधर इंसिडेंट रे, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. अब जब ये एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू जीरो होता है, इस पर क्या होगा? रूट थ्री कोमा जीरो, द कोऑर्डिनेट इज रूट थ्री कोमा जीरो. अब इसका स्लोप कितना? इसका स्लोप एम इक्वल टू, मैं बोलूंगा माइनस ए बाई बी, यानी माइनस वन बाई रूट थ्री. लेट दिस एंगल बी अल्फा, ओके. और इसका स्लोप मैं अगर एम डैश ले लूं, ये भी अल्फा है, तो हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा, अगर आप करें तो ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो. अब आप क्या करना, जस्ट फाइंड एम डैश एंड पॉइंट आपके पास है. मैं यहां देता हूं आपको इंट, यहां पे क्या होगा? 10 पाई माइनस अल्फा दैट इक्वल टू एम, यानी माइनस 10 अल्फा इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, यानी 10 अल्फा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री है. और 10 अल्फा हमारा क्या है? दिस इज इक्वल टू एम डैश, इंप्लाइज दैट एम डैश हमारा 1 बाई रूट थ्री है. अब इक्वेशन ऑफ, देयर फॉर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वाई माइनस वाई वन वाई माइनस जीरो इक्वल टू एम, दैट इज एम डैश. मैं ऐसे कर दू, वाई माइनस वाई वन एम डैश एक्स माइनस एक्स वन. यू कैन फाइंड वाई माइनस जीरो इक्वल टू वन बाई रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री. यू गेट सॉलिड, योर आंसर विल बी रूट थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री होगा. तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. कैसा लगा? मजेदार? ऐसा कुछ नहीं कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी है, लगभग ऐसा ही है. क्वेश्चन नंबर 14 AIEEE 2009 का क्वेश्चन है ये. द लाइन दिस एंड लाइन दिस आर परपेंडिकुलर टू ए कॉमन लाइन फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी? पी का कितने वैल्यू आ सकता है? अब आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ट्राई मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 3 या 4 मिनट का वक्त. प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों लाइन किसी सेम लाइन के परपेंडिकुलर है. मतलब मैं इसको लाइन वन ले लूं, दिस इज लाइन वन एंड दिस इज आई एम टेकिंग लाइन टू. ये दोनों लाइन दोनों, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर सेम लाइन है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज एल वन एल टू, दैट मीन्स एल वन इज पैरेलल टू एल टू. ये दोनों लाइनें पैरेलल है. पैरेलल मीन्स इसका मतलब क्या होगा? इनका स्लोप विल बी इक्वल. इसका स्लोप कितना होगा? माइनस ए बाई बी, यानी दिस एंड दिस, तो आपका स्लोप हो जाएगा. अब मैं ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. इसका एम टू कितना है? पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव आएगा इधर, बाई पी स्क्वायर प्लस वन, यूजिंग एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी. ये सब कैंसिल हो गया, तो पी इक्वल टू कितना आया?
minus 1. So your answer is exactly 1. The option A is correct. कैसा लगा? अच्छा लगा? इससे अगला, इससे भी अच्छा लगेगा. क्वेश्चन और दे रखा है. ये क्वेश्चन भी आया था AI EEE. दस में आया हुआ है. बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा है, आप कर सकते हैं. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस हैज वाई इंटरसेप्ट -4. यानी आप एक पर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मालूम कीजिएगा, फिर उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और कम की, ठीक है, फिर आप उसको दैट वाई इंटरसेप्ट को -4 के बराबर कंपेयर करना, यू विल गेट योर आंसर. मैं इसका हिंट देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड टाइप. This is P and Q. So if I write P आपका 1-4 है, Q is K3. इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट इज दिस पॉइंट इज K+1/2 एंड 4+3/7/2. अच्छा, स्लोप ऑफ PQ कितना है? स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी 3-4, 3-4 -1, -1/K-1. दिस इज -1/K-1. देयरफॉर अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ले लेता हूं, तो इसका स्लोप कितना? नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप विल बी व्हाट? K-1. स्लोप इसका K-1 हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ दिस, इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y-7/2 = m, that is K-1 × x - K+1/2. अब मैं इसको यहां सिंप्लीफाई कर दू. अब मैं करूंगा दिस इक्वल टू इंप्लाइज दैट y-7/2 = K-1 × x. फिर माइनस बाहर पड़ा K-1 × K+1 बाई टू. y इक्वल टू चाहिए मुझे, तो देयर फॉर वाई इक्वल टू K-1 × x. ये क्या हो जाएगा? दिस इज हाउ मच, ये हो जाएगा माइनस बाहर पड़ा तो K² - 1/2 एंड ये उधर आएगा +7/2. अब देखो यहां मैं इसको लिख दू y = K-1 × x. ये अगर मैं ये पूरा माइनस बाहर ले लूं तो ये क्या बनेगा? K² + 1/2, ठीक है, एंड +7/2. ये कितना हो जाएगा? दिस इज हाउ मच, y = K-1 × x, -K² + 8/2. अब ये दिस इज द, ये क्या, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है ना, दिस इज वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ, वाई इंटरसेप्ट दिस. तो ATP आप बोलेंगे ATP -K² + 8/2 = -4 कैंसिल हो गया. तो ये व्हाट इज दिस, K² + 8 = -8. एक मिनट इसको वापस करते हैं, कैलकुलेशन में सब लोचा यहाँ गड़बड़ हुआ है, ठीक है. इधर मैं करूँगा इफ आई राइट प्लस हियर तो दिस विल बी -K² + 1, ठीक है, देन प्लस हियर दिस इज -K² + 8. सो दैट मीन्स आप करेंगे -K² + 8 = -4, तो -K² + 8 = -8. सो -K² = -16, K² = 16, K = +-4 हो गया. यहाँ पे गड़बड़ था, तो K = +4 - 4, बट +4 दिया हुआ नहीं, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. या कैलकुलेशन एलजेब्रा ध्यान रखना, ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल हियर. माइनस बार है तो अंदर ले गया, प्लस लिखा तो -K² + 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, नोट इट डाउन. 16th क्वेश्चन AI EEE 2010 का सवाल है, ये आराम से पढ़ना इसको.
a line parallel to x-axis and passing through junction of lines this and this, where A, B, not zero is. वो लाइन कैसी है? तो मैं हिंट दे दूं आपको, कोई भी होगा, मान लो इसको मैं L1 लेता हूं और दिस इज L2, तो रिक्वायर्ड लाइन होगी, रिक्वायर्ड लाइन विल बी L1 प्लस लेमडा टाइम L2 इक्वल टू जीरो। अब आप इसमें x वाला इकट्ठा करना, y वाला इकट्ठा करना और बिना x y वाला इकट्ठा करना, फिर बोला है हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। आप क्या करना है, सिंस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस दैट मीन कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी जीरो, तो यूजिंग दैट कंसेप्ट आप लेमडा के वैल्यू मालूम करना, वापस इसी में डालना, फिर आपको y इक्वल टू सम आएगा, क्योंकि लेमडा का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो ओनली y वाला बचेगा, cos tan वाला बचेगा, इनमें से कौन सा आएगा करिएगा। मैं आपको दो या तीन मिनट का वक्त देता हूं। देर इज वन एरर हियर, हियर देर इज थ्री बी, यहां पे थ्री बी है, यहां पे c की जगह थ्री बी है। अब आप करिएगा इसको थ्री बी, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, दिस यहां पे थ्री बी था तो यहां पे भी थ्री बी करना पड़ा। तो यहाँ पे ये एक्स वाला कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट इक्वल कर लिया, सिंस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयर फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी बाय ए है। इक्वेशन वन में लैम्डा के वैल्यू डाल दिया हमने, एक्स वाला तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिला था, यू गॉट दिस रिजल्ट, ठीक है, एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल हो गया, टू वाई इक्वल टू प्लस थ्री गुणू जीरो वाई इक्वल माइनस थ्री बाई टू आपको आंसर मिलेगा। आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं इतना इसको एक एक करके स्टेप समझाऊंगा, बिकॉज अभी तो आप एक्सपर्ट बन गए। तो योर आंसर y इक्वल माइनस थ्री बाई टू, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस बिलो एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ थ्री बाई टू फ्रॉम इट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विजिबल और नॉट, पहले तो ये देखना पड़ेगा, इज इट विजिबल? यस इट इज विजिबल, आराम से लिख लो इसको। सवाल नंबर 17 ए आई ट्रिपल ई 2006 फॉलोड बाई केरला सी ई टी 2007। नाउ डे सिमिलर क्वेश्चन आर इन जेई मेंस एंड ऑल। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू 3-4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए, सो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? आपके ऑप्शन दे रखे आपके सामने, यू कैन ट्राई, आपको मिलता तीन या चार मिनट का वक्त। मैं इसको ऐसे कर दूं, सो ये एक्स वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज लाइन, और 3-4 पे पॉइंट ए है, 3 और 4 पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, यानी 3-4 इज अ मिड पॉइंट। तो मान लो इसका इक्वेशन है, लेट इक्वेशन बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा ए कोमा 0, दिस इज 0, B, बिकॉज यहां से यहां यूनिट ए यूनिट डिस्टेंस है, ये बी यूनिट डिस्टेंस। अब मिड पॉइंट यूज करेंगे तो दिस विल बी हाउ मच, ए इज द मिड पॉइंट, ये क्या हो गया ए बाई टू एंड बी बाई टू, कंपेयरिंग दिस ए इक्वल टू कितना हो गया, देयरफॉर हमें मिला ए इक्वल टू कितना मिला 6 एंड बी इक्वल टू मिला हमें 8, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स बाई 6 प्लस वाई बाई 8 इक्वल टू 1, यानी इसको इसका एलसीएम 24 है, 24 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस इट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, ऑप्शन बी करेक्ट, गॉट इट और नॉट? ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको ए बाई टू बी बाई यूज करके ना, और कंपेयर करो ए मिलेगा, और ए और बी का वैल्यू यहाँ डाल दो, ए और बी का वैल्यू यहां डाल दो, आपको इक्वेशन मिलेगा इंटरसेप्ट का। एनडीए 18 का सवाल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी दैट इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विद वन ऑफ द वर्टेक्स वर्टिसेस एट ए जीरो, द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑपोजिट टू दिस वर्टेक्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट?
आपको ट्राई करना था, वीडियो को पॉज करो, पहले प्ले मत करना, मैं हिट देता हूँ आपको। ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन रेडियस ए यूनिट, सेंटर जीरो जीरो, ये ए यूनिट, दिस इज ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए जीरो हो गया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स ईच एंगल इज 60 डिग्री, में यहां से अगर बनाऊं दिस, इधर 30 इधर 30 बनेगा, तो ये यहां कहीं जाके ऐसा बनेगा, रफ स्केच विल लाइक दिस। अब बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल में दिस ओ इज द, ओ इज इन सेंटर दिया हुआ है, बट अ ट्राइंगल, बट इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इन सेंटर सेंट्रोइड वगैरह वगैरह, सो ओ इज सेंट्रोइड ऑल्सो, क्योंकि सेंट्रोइड इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर ये सब ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर ऑल फोर पॉइंट कोइंसाइड, सब सेम ही होता है, सेंट्रोइड है। अब देखो बच्चों ये 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ये ए है तो मैं इसको ले लूं, दिस इज ए बी सी, ये डी है, तो ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो देखिए सिंस अगर ओ ए आपका ए है तो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा ए बाई टू, क्योंकि सिंस ए ओ रेशियो ओ डी, ए ओ रेशियो ओ डी आपका 2:1 है, बिकॉज सेंट्रोइड डिवाइड्स दिस मीडियन इन 2:1, तो ये 2 बाई, दिस इज ओ डी इज 2 बाई ए बाई टू, देयर फॉर इक्वेशन ऑफ बी सी इज वॉट, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू, आपको मिलेगा 2x प्लस ए इक्वल टू जीरो, आंसर का यह ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सारे नोट्स आपने अगर बना रखे हैं, वीडियो अगर आपने ध्यान से वॉच कर रखा है, तो आपके सारे सवाल सही होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, नोट कर लो इस चीज़ को। द इमेज ऑफ द पॉइंट 2:3 इन द लाइन y इक्वल माइनस एक्स इज जेई मेंस 2016 का, ये बहुत आसान क्वेश्चन, आई डोंट नो कैसे पूछ लिया 2016 में। सवाल ये है, देखो अब मैं आपको बताऊं, ये देखो ये वाला हो गया, मान लो दिस इज लाइन y इक्वल माइनस एक्स, अब पॉइंट 2:3 यहां ले लिया, और इसका इमेज मान लो h कॉमा k बच गया, तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट m, m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, h प्लस 2/2 एंड k प्लस 3/2, बट m लाइज ऑन दिस, बट m इज ऑन लाइन y इक्वल टू माइनस x, देयरफॉर y ये k प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस एच प्लस 2/2 कैंसिल हो गया, आपको यहां मिलेगा एच माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिल गया आपको ये। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स इज माइनस 1, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ, ये मैं बोल दूं दिस इज p दिस इज q, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा 1, नेगेटिव रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर, m1 m2 माइनस 1 यूज करेंगे, तो इसका स्लोप क्या हो गया k माइनस 3 बाई एच माइनस 2, k माइनस 3
बाई एच माइनस टू इक्वल टू वन, आप इसको करेंगे के माइनस थ्री इक्वल टू एच माइनस टू, आपको मिलेगा क्या मिल जाएगा एच, व्हाट विल यू गेट इक्वल टू वन हो जाएगा, योर इक्वेशन विल बी व्हाट, चेक करो एक बार, अब आप यहां पे एच और के में इक्वेशन लाना और ये इक्वल दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप, यहां गड़बड़ हो गया, ये इक्वेशन बनेगा दिस विल बी, ये बनेगा एच कल करेंगे इधर एच प्लस के, एच नेगेटिव उधर चला गया एच प्लस के, ये माइनस का टू है तो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर वन बन गया, और ये बनेगा एच माइनस के प्लस वन इक्वल टू जीरो, एच माइनस के प्लस वन। अब आप सोल्व करेंगे वन एंड टू, उसको सोल्व किया आपको एच इक्वल टू मिला है माइनस थ्री एंड के इक्वल टू मिला आपको माइनस टू, सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन दैट इज टिकलिंग ऑफ माइंड, यानी दिमाग की गुदगुदी, आपने बहुत पढ़ा, अब लास्ट आप खुद करेंगे। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस फोर एक्स माइनस सेवन प्लस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड सेवन एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू फिफ्टीन ईच। आप दिमाग में गुदगुदी कीजिएगा, डू योर सेल्फ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।